गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम दीपक सोनी, आई एम योर साइंस टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक इन चैप्टर नंबर 4 इज बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर साइंटिस्ट जो था उसने क्या हुआ, एक एटॉमिक मॉडल को प्रोड्यूस किया या फिर प्रपोज किया। ठीक है, उस एटॉमिक मॉडल में क्या था, तो इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन रेज अगेंस्ट रदरफोर्ड, मींस क्या हुआ, नील्स बोहर पुट्स द फॉरवर्ड फॉलोइंग पोस्टुलेट अबाउट द मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, तो सबसे पहले जो नील्स बोहर था उसने क्या किया, एक ऑब्जेक्शन रेज किया अगेंस्ट द मॉडल ऑफ एन एटम। नील्स बोहर गेट पुट द फॉरवर्ड पोस्टुलेट अबाउट द मॉडल ऑफ एन एटम। तो नील्स बोहर जो है था उसने क्या बताया कि ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स आर नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट, मींस किसी भी एटम या न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या होते हैं, सर्टेन ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं। इन ऑर्बिट्स में क्या होता है, ये ऑर्बिट्स कैसे होते हैं, डिक्रीज या डिस्क्रीट ऑर्डर में, डिस्क्रीट ऑर्डर में इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट, जितने भी सर्टेन ऑर्बिट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट होते हैं, आर अलाउ इनसाइड द एटम। ठीक है, तो इनमें क्या होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यहाँ पे अरेंज होते हैं जितने भी डिस्क्रीट ऑर्डर में होते हैं। मीन्स अगर के शेल प्रेजेंट है या फिर के ऑर्बिट्स प्रेजेंट है तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो एल ऑर्बिट्स या एल शेल प्रेजेंट होती है इसमें क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे जब हम एम शेल पर मूव करते हैं, मीन एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। देन एन शेल, एन शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल द इलेक्ट्रॉन अरेंज इन देयर ऑर्डर ऑफ डिक्रीज एनर्जी लेवल। ठीक है, फिर व्हाइल द रिवॉल्विंग डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, मीन्स इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में या डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रोटेट करते हैं, और रोटेट करते हैं तो क्या होते हैं, दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी, तब ये क्या करते हैं, एनर्जी को रेडिएट नहीं करते। ठीक है, याद रखना ये एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं ना, और एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे तो एटम कहां पे प्रेजेंट होंगे, अराउंड द ऑर्बिट्स ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जितने भी ऑर्बिट्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं। दीज ऑर्बिट्स एंड सेल आर कॉल्ड एनर्जी लेबल, मींस इन शेल को हम लोग क्या बोल देते हैं, इन शेल को या फिर ऑर्बिट्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, एनर्जी लेवल। ठीक है, तो कौन कौन से एनर्जी लेवल्स होते हैं, के एनर्जी लेवल, एल एनर्जी लेवल, एम एनर्जी लेवल, एन एन एनर्जी लेवल। ठीक है, तो के एल एम एन एन, ये हमको याद रखना है कि एक के एल एम एन हमारे क्या होते हैं, एनर्जी लेवल प्रेजेंट होते हैं। जब के और एनर्जी लेवल की बात करते हैं तो इनमें एन की वैल्यू हम लोग कितनी रखते हैं, एन की वैल्यू हमारी होती है 1, मीन्स नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने होते हैं, 1। नेक्स्ट इसमें एल शेल पे जब हम मूव करते हैं तो एन की वैल्यू होती है 2, एंड नेक्स्ट सेल पे मूव करेंगे तो एन की वैल्यू 3, एंड अनदर इज एन इक्वल टू 4। मीन्स जब फर्स्ट ऑर्बिट की बात करते हैं तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो यहाँ पे ऑर्बिट प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग के ऑर्बिट्स या फिर के शेल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, फ्यू एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। दीज ऑर्बिट्स एंड सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय के एल एम एंड एन। ठीक है, इन्हीं ऑर्बिट्स को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, के एल एम एंड एन। ठीक है, तो के एल एम एंड एन आर द ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, और इसकी वैल्यूज कहां से कहां रेंज करती है, फ्रॉम 1, 2, 3 एंड 4 अकॉर्डिंग टू देयर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। ठीक है, तो यहां पे देखा कि हमने बोहर मॉडल में क्या हुआ, इस नील्स बोहर ने किसके अगेंस्ट में क्या हुआ, ऑब्जेक्शन अराइज किया, अकॉर्डिंग रदरफोर्ड के अगेंस्ट में क्या हुआ, एक ऑब्जेक्शन अराइज किया, और ऑब्जेक्शन जब अराइज किया तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि यहाँ पे एटम के सराउंडिंग में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं वो किस में, डिस्क्रीट ऑर्डर में रोटेट करते हैं, और जब भी इलेक्ट्रॉन डिस्क्रीट ऑर्डर में रोटेट करते हैं तो वो एनर्जी को रेडिएट करते हैं। ठीक है, और एनर्जी रेडिएट करते हैं, एंड दे आर नॉट अलाउड इनसाइड द एटम।
ठीक है। वाइल रिवॉल्विंग डिस्क्रीट एटम इन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एनर्जी को रेडिएट नहीं करते। नेक्स्ट इसी में हमारे हैं न्यूट्रॉन क्या होते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, इन द ईयर ऑफ 1932 जेम्स चैडविक द डिस्कवर ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल इज कॉल्ड न्यूट्रॉन, ठीक है, तो जेम्स चैडविक ने डिस्कवरी की थी आफ्टर द सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ इन द एटम इज कॉल्ड न्यूट्रॉन विच हैड नो चार्ज एंड मास नियरली इक्वल टू प्रोटॉन, मीन इसका जो मास होता है वो किसके नियरली होता है, प्रोटॉन के इक्वल होता है, और जब मास प्रोटॉन के इक्वल होगा तो और ये इस पे चार्ज क्या होता है, ये चार्ज लेस होते हैं, मतलब हमारे जितने भी जो न्यूट्रॉन पार्टिकल्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, चार्ज लेस होते हैं। इट वॉज इवेंचुअली नेम न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, मीन्स न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो न्यूक्लियस में यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यूट्रॉन इज एन, इसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर द मास ऑफ एटम इज देयर फॉर गिवन बाय सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, तो यहाँ पे मासेस ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मास ऑफ एन एनी एटम और एनी एलिमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता है कि जो जेम्स चैडविक ने उसने 1932 में रिप्रेजेंट किया न्यूट्रॉन को, के बारे में डिस्कवरी की, और न्यूट्रॉन क्या है, अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम, किसी भी एटम का जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव वन चार्ज होता है, जो प्रोटॉन होता है उसके पास पॉजिटिव वन चार्ज, एंड जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो चार्जलेस होते हैं, ठीक है, और जब हम प्रोटॉन के मास को न्यूट्रॉन के मास के साथ का समेशन निकाल लेते हैं तो हमको क्या ऑब्टेन होता है, मास नंबर ऑब्टेन होता है, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर और डिस्क्रीट लेवल ऑफ यहाँ पे एनर्जी लेवल होता है, जिसको साइंटिस्ट बोर्स ने डिस्कवर्ड किया था या बोर्स ने को आइडेंटिफाई किया, ठीक है, सो दैट इज सफिशियंट फॉर टुडेज क्लास एंड वी विल मीट अवर नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक, सो थैंक यू सो मच।